जो है अपनी आज की कॉफी भी बनके तैयार हो चुकी है। ब्रेकफास्ट तो खैर मेरा करने का मन नहीं है, और अभी तक आए ही नहीं पप्पा। खैर मेरे को तो पास में एक दुकान मिली, छोटी सी टपरी थी, दुकान भी नहीं कह सकते, तो वहां से मैं लिमका उठा लाया। बट भाई ये तो गलत, वहां से मैंने उठा ली और ठीक है यार, ठीक है अपना घर तो आगे। और अभी मेरे को याद आया, आज सुबह से मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ। मतलब सुबह एक कॉफी पी, फिर उसके बाद लिमका पी, और अब ये, मतलब यार सुबह से मैंने कुछ सॉलिड नहीं खा रखा, सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, मेरा प्लान तो था जाने का आज शहर पे, और अभी सुबह के पूरे पूरे 5 बजे मैं उठ भी गया। बट भाई जिस हिसाब से काले बादल हो रहे हैं ना, और ये अभी अभी जस्ट अभी अभी बारिश भी शुरू हो गई है, रह नहीं देते आज शहर पे जाना। आज अपनी टांगों को, अपने शरीर को, अपने स्वेट के पोर्स को थोड़ा सा आराम दे देते हैं, थोड़ा सा। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। भाई वैसे मैं ना कल रात को बड़ी गहरी नींद सोया, मेरे को कल रात को था भी हाँ आज की बारिश बता रखी है, पता नहीं आज जा पाऊंगा या नहीं। बट यार तुम एक बार वो चीज़ देखो यार, चंदा मामा निकल रहे, डैम दैट्स लुकिंग सो अमेजिंग। भाई चंदा मामा ज्यादा ही पास नहीं है, एंड दिस वॉजेंट इवन प्लान्ड यार, ये लाइट सी भट जाए ना तब ज्यादा प्यारा लगे। खैर चलो कोई ना, अभी अपन लोग उठ तो चुके हैं, बट अभी अपन लोग दोबारा से सोने चलते हैं, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी अदर बेटर ऑप्शन। सोते हैं फिर देखते हैं, आराम से उठते हैं, पहले तो लाइट बंद करो यार, ब्लॉक के चक्कर में ना मैं ये वाली लाइट जला देता हूँ, बट ना ये बेकार लाइट है, सिर्फ रोशनी जा रहा है। बट यार चंदा मामा बड़ी प्यारे लग रहे हैं यार, इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। तो बट मैं ना सेटिंग से चेंज करके तुम लोगों को दिखाता हूँ, अगर और बढ़िया तरीके से तुम लोग देख पाओ। अब देख पा रहे होगे तुम, ज़्यादा बढ़िया तरीके से तो नहीं, बट हाँ थोड़े से तो बढ़िया तरीके से देख ही पा रहे होगे। रियल लाइफ में लुक बिल्कुल ऐसी सी आ रही है, मतलब इतने ही काले बादल हैं और ऐसे से ही चंद्रमा दिख रहे हैं। चलो कोई नहीं, अपन लोग अब वापस अंदर ही चलते हैं, क्योंकि बारिश भी झमाझम होनी शुरू हो चुकी है। बाय गॉड, इस टाइम पे जो बाहर का बढ़िया मौसम हो रखा है ना भाई, मतलब मस्ट रिक्वायर्ड था जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही थी। अभी जब नहा धो के बाहर जाऊंगा तब तुम लोगों को दिखाऊंगा। खैर लास्ट शॉट के बाद मैं 2-2.5 घंटा और सोया, एंड इट्स 8 in the morning, 8 or 9, तुम जो मर्जी समझ लो, 8:25 के करीब बज रहे हैं। और भाई मज़ा है, आज मैंने ना अच्छे से नींद पूरी करी, आज ना एक्सरसाइज की टेंशन थी, ना ही काफ़ी चीज़ें टेंशन थी, मस्त एकदम बढ़िया तरीके से सोया। खैर अभी तो फटाफट चलते हैं, चल के नहा धोना निपटाते हैं, फिर अपन लोगों ने सतारा किसी काम से जाना है तो वहाँ भी चलेंगे। पहले तो प्लान कल शाम तक तो पुंडी लेके जाने का ही था, बट अब जिस हिसाब का मौसम हो रहा है ना, मेरे हिसाब से अपने को गाड़ी लेके जाना चाहिए, गाड़ी वुड बी द बेटर ऑप्शन। चलो पहले तो नहाने चलते हैं, फिर आराम से बाहर जाके बाहर के मौसम के बढ़िया बढ़िया शॉट्स लेंगे। अपनी आज की कॉफी भी बनके तैयार हो चुकी है। ब्रेकफास्ट तो खैर मेरा करने का मन नहीं है, क्योंकि कल रात में भी मम्मी ने पूरियां बनाई थी, और उस करके भी मेरा ना पेट एकदम फुल हो रखा है। बाकी जब सतारा जाऊंगा तो ये क्या होगा ना, ठीक है बाकी जब सतारा जाऊंगा तब देखूंगा भी हाँ, अगर वहां पे भूख लगी तो खा लूंगा कुछ। खैर तैयार भी अपन लोग हो ही लिए हैं, बस जूते डालने रहते हैं। जूते भी आज मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्मल वाले ही डाल दूं, क्योंकि यार
कभी ये ना हो बारिश में गंदे हो जाए। वैसे भी खैर बारिश तो नहीं हो रही, हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो चुकी है। सो अभी ये भी डिसाइड करना कि हम गाड़ी में जाएंगे या पुंडी पे जाएंगे। खैर जैसा भी होगा वो तो तुम लोग देख ही लोगे। अब सबसे पहले इसको खत्म करते हैं क्योंकि दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टुडे, कॉफी। और आज बनाई भी मम्मी ने, सो बनी भी अच्छी होगी। और एट द एंड अपन लोगों ने यही डिसाइड करा भी अपन लोग गाड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। बादल अभी भी हल्के हल्के हो रहे हैं, भले ही प्रिडिक्शन के हिसाब से शाम को 5 बजे बारिश होगी, बट हाँ यार कुछ नहीं कह सकते, क्या मतलब अभी थोड़ी देर तक ही शुरू हो जाए। सो बेटर बी सेफ देन सॉरी, अपन आराम से गाड़ी लेके जाएंगे। तो अब फटाफट अपन लोग सतारा की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे चल के अपना काम निपटाते हैं। एंड वी मीट यू गाइज एट द अदर साइड ओनली, क्योंकि आई हैव नो क्लू कि मेरे को कितना टाइम लगेगा। ड्राइव मैं करूंगा यार, मेरी हिंदी को हो क्या गया। ड्राइव मैं करूंगा या पप्पा करेंगे, जैसा भी होगा तुम लोग आप पे देख ही लोगे। तब तक के लिए बाय बाय। सो फाइनली अभी जो है अपन लोगों का सतारा का तो काम हो चुका है। अभी पप्पा किसी काम से किसी दुकान पे गए हैं सतारा में दीदी की बुक पता करने के लिए। तो मैं तो सोचा भाई मैं तो गाड़ी में बैठूंगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मार्केट घूमने का, क्योंकि अभी जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है ना वहाँ से बहुत दूर चल के जाना पड़ेगा बाबू भैया, बहुत दूर। तो मैं सोचा मैं तो आराम से गाड़ी में बैठूंगा। खैर अभी थोड़ी देर तक पप्पा वापस आते हैं, फिर अपन लोग वापस घर की तरफ निकलेंगे। लेकिन भैया आज गाड़ी चलाने का बहुत मजा आया। आज एक तो मौसम ठंडा, ऊपर से गाड़ी का एसी ओहो क्या बढ़िया कूल कर रहा था। अभी तो खैर मैंने बंद कर दिया, खड़ी गाड़ी में क्या एसी चलाऊंगा। तो बस जैसे ही पप्पा आते हैं फिर अपन लोग वापस घर की तरफ निकलते हैं। और मेरे ना भी पिंपल इरिटेट करने लग गया, इसका मुंह बन ही नहीं रहा, मैं कोशिश कर जा रहा हूँ फूट जाए, ट्यूमर बन गया है, पिंपल कम रहेगा। बट चलो कोई ना, अभी तो थोड़ी देर तक पप्पा आते हैं फिर वापस अपन लोग घर की तरफ निकलते हैं। भाई पता नहीं पप्पा किताब लेने गए हैं, किताब लिखने गए हैं। 20 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक आए ही नहीं पप्पा। खैर मेरे को तो पास में एक दुकान मिली, छोटी सी टपरी थी, दुकान भी नहीं कह सकते, तो वहां से मैं एक लिमका उठा लाया। बट भाई ये तो गलत चीज है यार, पप्पा को आ जाना चाहिए। बढ़िया फ्लेवर है यार इसका, ऐसे भी लिमका पिए हुए मेरे को काफी टाइम हो गया, घर पे पड़ी हुई है बट पीने का मन ही नहीं करता। आई वुड रादर प्रेफर कोक ओवर दिस, बट हाँ कोक थी नहीं उन पे, सिर्फ ये लिमका ही अवेलेबल थी ठंडे में। अभी निकल आई गंदी सी, अब जैसे वो नहीं होता डोसे के तवे पे हम पानी छिड़कते हैं वैसे ही हाल हो गया, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, इतनी ज्यादा कहने की हद नहीं। बट चलो पता, तो अपन लोग अपनी 88 किलो कैलोरीज वाली लिमका को पेलते हैं पहले तो। मानता हूँ मैंने लास्ट या उससे लास्ट व्लॉग में कहा था बीस का टेस्ट बहुत बेकार है आफ्टर टेस्ट, बट यार अभी ना मेरा फिज पीने का मन कर रहा था और फिज मेरे को मिली नहीं कहीं से। सो अपन लोग 7 सेक्टर कुछ काम से रुके थे पंचकुला, मतलब हम गए थे रुके कहाँ थे, अब मेरे को हाउसिंग बोर्ड से राइट लेना पड़ा था, फिर वहां से घूम के अपन लोग वापस घर को आए। तो वहां से मैंने उठा ली और ठीक है यार, ठीक है अपना घर तो आ गए। और अभी मेरे को याद आया आज सुबह से मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ, मतलब सुबह एक कॉफी पी फिर उसके बाद लिमका पी और अब ये, मतलब यार सुबह से मैंने कुछ सॉलिड नहीं खा रखा, सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ। लेकिन यार अब जाके अब भूख लग रही है, अब अंदर चल के कुछ पेलते हैं बढ़िया सा। गाड़ी अपन लोगों ने पार्क कर दी है, पप्पा ऑलरेडी अंदर चले गए हैं। और दबा के गाड़ी लगाना उधर वाली साइड को, अपने आप प्रोजेक्ट ही है, रुकने का डर रहता है, बट नहीं एट द एंड अपन लोगों ने लगाई दी। आज इसीलिए मेरी लिक्विड बेस्ड डाइट होनी थी, मतलब आज के डिनर में अभी मम्मी डिनर में पनीर के परांठों की तैयारी कर रही है भाई, एंड आई एम सो हैप्पी ना, मतलब पनीर के बढ़िया बढ़िया परांठे खाने को मिलेंगे। अभी तो खैर मैं फटाफट पहले नहाने जाऊंगा क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो रही है और पानी बहुत ठंडा आ रहा है। आज वेदर भी ठंडा था ना तो इस करके पाइपलाइन भी नहीं गर्म हुई और टंकियां स्टोरेज यूनिट भी नहीं गर्म हुई और पानी आज एकदम मस्त ठंडा ठंडा आएगा, ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। तो ऑलमोस्ट शाम के 6:30 बज चुके हैं, हमारे पास परांठों की सेवा दिखाने को कुछ नहीं बचा, आप लोगों के पास परांठों की सेवा देखने को कुछ नहीं बचा। इसी नोट पे करते हैं आज वीडियो को एंड।
होप करता हूँ तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नए चीज़ के नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।